हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 45 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में वाईफाई को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं क्यूआर कोड से। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन का क्विक पैनल ओपन करना है, ऊपर से नीचे आपको स्वाइप करना है। ठीक है, ऐसे स्वाइप करेंगे तो आपका पैनल ओपन होगा। इसमें जो आपका वाईफाई का आइकन है, वाईफाई के आइकन को उंगली से दबा के रख लेना है। तो यहाँ पर आपका जो है ना, पहले तो वाईफाई के सामने जो बटन है इसे सबसे पहले चालू कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है ऐड नेटवर्क। ऐड नेटवर्क के सामने देखिए वाईफाई का स्कैनर होता है, ये आइकन बना होता है, इसे वाईफाई के स्कैनर के आइकन को टैप करना है। तो इससे आपके ये जो है ना वाईफाई का स्कैनर ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इससे करना क्या है कि आपको इस वाले वाईफाई के स्कैनर से सामने वाले पर्सन का जो वाईफाई का क्यूआर कोड होगा उसे स्कैन करना है, जिससे आपके फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है वाईफाई को कनेक्ट करने का क्यूआर कोड से। ठीक है, अब मैं आपको वीडियो के आखिर में ये भी बता देता हूँ सामने वाले पर्सन के मोबाइल फोन में आपको वाईफाई का क्यूआर कोड कहां पे मिलेगा। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, सामने वाले पर्सन का जो मोबाइल फोन है ना, उसके मोबाइल फोन में भी आपको वाईफाई के आइकन को उंगली से दबा के रखना है, वाईफाई के इसी वाले पेज में आ जाना है। ठीक है, तो देखिए सामने वाले पर्सन के मोबाइल फोन में जो वाईफाई कनेक्टेड होगा, जैसे ये मेरे फोन में कनेक्टेड है ना, तो ऐसे ही सामने वाले पर्सन के मोबाइल फोन में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है उसके सामने ये सेटिंग का आइकन बना होगा, इस वाले सेटिंग के आइकन को टैप करना है तो ये पेज आ जाएगा। इसमें देखिए सामने वाले पर्सन के मोबाइल फोन में ना ये यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिखेगा या फिर आपको क्यूआर कोड लिखा हुआ दिखाई देगा सामने वाले पर्सन के फोन में इस तरीके का, तो इसे सेलेक्ट करना है। तो सामने वाले पर्सन का जो वाईफाई का क्यूआर कोड होगा वो सामने आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो है सामने वाले पर्सन का जो वाईफाई का क्यूआर कोड है उसे आपको इसे स्कैन करना है, आपके फोन में वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है,